आप क्या बोल क्या रहे थे, ऊपर से क्या चिल्ला रहे थे? ऋषभ बिंगा क्राई बेबी। व्हाई दो? आई थिंक ना आपका कोई मेंटल इशू है, आई थिंक यू आर मेंटली नॉट स्टेबल। आपको पता है कितनी इंटेंसिटी, अभी पेन हो रहा है मेरे जॉज में। ठीक है, होता है, आइस पैक लगा लो बाबा। वाओ, नाइस ह्यूमन बीइंग। आपको क्या लगता है जो मैंने वहाँ पे गेम खेली है, am I not faster than that? Do you think I cannot hit you? Oh my God, she's saying कि तुझे क्या लगता है मैं और जोर से नहीं खेल सकती थी। जब वाशु की इम्यूनिटी मुझे मिल गई थी और वाशु को वोट आउट करने वाले थे ना हम, you said थे उसकी वजह से रुक गई, अभी भी उसको करेगी। यहाँ पर टेंट में आके what's your relation with Sachin? उस वक्त मैंने पूछा था, because I what kind of question? In close proximity with him, physically touching each other. Oh my God, how did I kiss him? I don't know. I know at that point कि मैं उस बंदी की आज के बाद शक्ल नहीं देखने वाली हूँ और ना उससे कभी बात करने वाली हूँ। यार में बात कर गई है पीयू आप और इसके बारे में यार पर्सनल पर्सनल कमेंट करके गई है यार। हिम्मत कैसे हुई यार? ये फिजिकल टच क्या मतलब डायरेक्टली तुम ऐसे क्लेम करोगे मेरे बारे में? मेरी दोस्त की बात है, तेरी बात ही नहीं है। तो बस तो तेरी बात ही नहीं है यहाँ पे। पास रखना मेरे बारे में। मैं रख लूंगी और अपना दोस्त भी देख लूंगी। स्वयं प्रिंस महाराज अपने दरबार में पधारे। सर आपको बताया कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आज के बाद आपका वाशु के लिए वर्ड जो भी होगा मैं नहीं भाई। क्यों? क्योंकि सर मेरा ऐसा कुछ नहीं है भाई। और मेरे पास आके पिच कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में खेलेंगे कि पराक्रम वाशु का वर्ड। उन्होंने बोला कि वाशु को पेश किया जाए। भाई वाह यार, मैं अपने पूरे गैंग और उसको मैं भरोसा करके भेजा था कि वाशु को एक भी मत मारियो भी मत। बता मैं बताऊं प्रिंस में हुआ क्या? उसने सीधा जाके प्रणव को मारा। और मैं कहां के लिए ब्रो आज के? किसी के मन में ना थोड़ा सा खोट आ जाता है, मतलब खोट नहीं बोलूंगा कि थोड़ा सा डाउट आ जाता है, तो वो नजरें नहीं मिलाता। तूने आज नजरें नहीं मिलाई। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद वाशु, बट इट्स ओके, इट्स अ गेम। तुम्हें गेम में कुछ भी करते हो, ये तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमारी बात सुननी है। कैसे मेरे भाई? So this is Stack MTV Roadies Karmi Account, co-powered by Wildstone. पनी क्या कर रही है? सर मुझे बात करनी है एक चीज के बारे में सबसे। हाँ। क्योंकि I have a family waiting outside, I have a man waiting outside for me. So basically I want to ask Rishabh, Prakram, anybody, Vashu, even like लड़कियाँ कि मैं किसी के साथ physical हुई हूँ क्या? Whom have you accused? By Pihu. I would say, you know, being a woman, you shouldn't put down another woman. No, I never use those words. तो उनने बोला कि ना आपको क्यों लगा ऐसा कि सचिन और मेरा कोई रिलेशन है, तो पहले बोल रही थी, फिर ने फोर्स करा कि बता क्यों, कह रही कि फिजिकल टच है कि तुम ऐसे पकड़ के चलते हो, कभी ऐसे रहते हो, कभी वैसे होते हो, तो मैं भी वहीं पे थी, वाशु भी वहीं पे था। Believe in God ना तनु? तो उतना ही बोलो जितना सुना हो। Did you even know me? मैं हूँ कौन? क्लैरिफाई होना था तो हो चुका है, कहीं आपके मैन तक बात पहुंचनी थी तो बात पहुंच चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। आज के टास्क पे आए? यस सर। वाशु आज क्या किया तूने? आज एकदम पूरा एकदम जोश में था तू, अच्छा खेला ये। रेडी तो था आज के लिए, जो भी होना था। गुड गेम वाशु। तो गैंग बदलते, किस्मत बदल रही है? ऐसा नहीं है, प्रिंस भाई ने हर चीज समझाई है, प्रिंस भाई ने तराशा है। मैंने बोला था इधर अगर कहीं भी जाऊंगा शाइन करूंगा। अच्छा, नहीं जीता है प्रिंस सर की वजह से टास्क। जब टास्क स्टार्ट होना था तूने मेरे को बोला पराक्रम के अगेंस्ट खेलना है। गौतम सर क्या बोला था मैंने आपको? यही बोला था ना कि सर हुआ है गेम। पराक्रम भाई इसके एक भी हिट मारा ना, उसमें तुम लोग मेरे पे आ गए थे। दूसरे राउंड में दोनों मार रहे थे, पहले राउंड का एक्सेप्टेड। ज्यादा चौड़ मत दिखा हिमांशु, स्मार्ट प्ले किया है गाइस उसने। तुम लोग गौतम आपका बैंक खाली है और आज टोटल हिट्स आपके हुए हैं 11। क्या बात है, 5,500 रोडियम्स आपके बैंक में आ गए। रिया 2,500 रोडियम्स ऑलरेडी रिया के पास हैं और 16 हिट्स, 8,000 और 2,500, 10,500, इतने में तो तू यहाँ पे जमीन खरीद सकती है। पर सबसे पहले जो रिया के पास 3 इम्यूनिटीज हैं, रिया आप किसको देना चाहती है? सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी जिसने खेला है दे डिजर्व इट। ओके, सो ऑल 3 ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेल डिजर्व, मतलब ऋषभ, वाशु एंड पल्लवी, बाकी की दोनों गैंग पूरी अनसेफ है। लेकिन एक कांड हुआ था जिसकी वजह से पराक्रम भी इम्यून है।
गैंग वालों ने आज खूब रोडियम कमाए हैं, बहुत मेहनत की है, सो मेहनत की इम्यूनिटीज मैं देता हूँ, ठीक है? लेकिन हर गैंग सिर्फ दो ही इम्यूनिटीज खरीद सकते हैं और कीमत 3,000 रोडियम। I'll save जोगिंदर because उसका सिस्टम थोड़ा खराब है। थैंक यू सर। आपका क्या मूड है? चलिए ठीक है, किसी को नहीं देना चाहूँ। किसी को नहीं देना? नहीं। पक्का फाइनल कॉल? तो टारगेट छोटा कर सकता है। टारगेट छोटा, मेरे वो चारों अच्छे हैं, किसको स्ट्रॉन्ग करके किसको बोल दूं? पर किसी को पता नहीं है कितने उड़ने वाले आज। फाइनल कॉल प्रिंस का? भाई मैं नहीं ले पाऊंगा। प्रिंस कोई भी इम्यूनिटी नहीं ले रहा। अब मैं आपको बताता हूँ आज कितने रोडीज घर जाने वाले हैं। ओह गॉड, क्या? सिर्फ एक। ओ नहीं नहीं यार, तीन। ओह गॉड, चार। चार सर, अंगूठा बचा है वो भी कोहली लेते। चार रोडीज जो हैं आज घर जाएंगे एक पांचवे को लेकर। आज हर एक रोडी दो दो वोट डालेगा। So, मैंने कितने लोगों को बोला था वोट आउट करना है? पांच। पर आपको पता है गैंग लीडर्स जो हमारे रोडीज हैं वो कहते हैं पांच नहीं छह लोगों को भेजो। ओ, क्या? समझ नहीं आया सर। तुम्हारी वोट डिवाइड हुई होंगी ना, तो वो छह लोगों में बटेंगे ना। So, पहला जो नाम है शेट। भूमिका कैसी है? अगला जो है मानशो। शेट राजवी। ग्यारह वोट्स हैं दोस्त। हंसता हुआ आया था, हंसता हुआ जाऊंगा। जिंदगी का खेल बहुत लंबा है, उसको खेल कर ही ऊपर जाऊंगा। बाय सर। गॉड ब्लेस यू। अरे प्लीज प्लीज, गॉड ब्लेस। शिवित 6 वोट्स। सचिन 5 वोट्स। आकृति 5 वोट्स। भूमिका और हिमांशु दोनों के 2-2 वोट्स। पर इतने सारे लोगों को एक साथ निकालना जरूरी है क्या? फाइनल लेग में चल रहे हैं हम लोग। इतने सारे सर। सोनू सर ऐसे खाली कर दोगे क्या? और यहाँ से भी आप आगे अच्छा ही करोगे राइट? यस सर। यस सर। लेकिन लेकिन तो गौतम और प्रिंस, चलिए आपको एक मौका मिलता है, आप अपनी चॉइस का कोई भी एक रोडी अपनी गैंग का बचा सकते हो और उसके लिए आपको 2,000 रोडियम देने पड़ेंगे। गौतम एक नाम। I'll take सचिन। सचिन, मैंने बहुत बार शिवी को बचाया, आज मैं हिमांशु को बचाऊंगा। हिमांशु आप वापस जा सकते हो अपने गैंग में। जाने का समय आ रहा है लोगों के। सर ऐसे नहीं भेज सकते आप उनको। लेकिन आप नहीं जा रहे हो। लेकिन सर मैं तो बोलता हूँ लेकिन पे लेकिन डाल दो एक और। कर्म बड़ी देर से आया नहीं है काम में, है ना? सो एक बार कर्म को लेकर आते हैं और कर्म कहता है कि इनको टिके रहने के लिए एक मौका देते हैं। यस सर। सर्वाइव करने के लिए आपको अपने हक के लिए प्रूव करना है। कल का दिन आप तीनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। एक टास्क दिया जाएगा आपको, जो वो टास्क में जीतेगा वो वापस उस रोडीज के परिवार में जुड़ेगा और जो नहीं जीतेगा वो तो फिर जाना तो बनता ही है ना। तो ये जानने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं क्योंकि इतनी मुश्किल से हम ये जर्नी सर्वाइव कर पा रहे हैं। नाउ उन्हें मौका मिल जाता है सर्वाइव करने का। तो वी वर प्रेइंग कि हमारे एक्स गैंग मेंबर्स हैं जो कि भूमिका और आकृति हैं वो ना जाएं और जो हमारा टारगेट है फ्रॉम डे 1 शिवित वो चला जाए।